हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये फिजिक्स के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज मैं आप लोगों को बिंदु आवेश के कारण जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का निर्धारण बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग आज बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको वैद्युत विभव के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको ध्यान दीजिए बताया गया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आवेश दिया गया था प्लस क्यू, यहाँ पर दिया गया था बिंदु ए, तो हम लोग यहाँ पर जो है अनंत से जो है परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो इसमें यहाँ पर जो परीक्षण आवेश था इससे यहाँ पर इस आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को बोलते थे वैद्युत विभव। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया, जिसमें आपको ध्यान दीजिए सूत्र ये बताया गया था वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये सूत्र भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था। तो अभी आपको इस सूत्र की आवश्यकता भी इसमें होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ये कोई बिंदु दिया गया है यहाँ पर O, और इस बिंदु पर कोई आवेश दिया गया है प्लस क्यू, तो इस आवेश के कारण जो है हम लोग मान लेते हैं कि आर दूरी पर जो है एक बिंदु ए है, और इस बिंदु ए पर जो है आपको यहाँ पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बिंदु आवेश है, इस आवेश के कारण आपको यहाँ पर बिंदु ए पर जो है वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग आवेश लाते हैं वो इनफाइनाइट से, यहाँ पर परीक्षण आवेश हम लोग मान लेते हैं क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है, मान लेते हैं परीक्षण आवेश जो दिया गया है ये किस बिंदु पर है, बी पर। तो अब ध्यान दीजिए, बी से यहाँ पर एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं सी, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बी टू सी, इसको हम लोग मान लेते हैं अनंत सूक्ष्म दूरी, और इससे यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं डी एक्स से, ये यहाँ पर हो जाएगी अनंत सूक्ष्म दूरी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस बिंदु ओ से लेके इस बी तक की जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, इतना मान लिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस में जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस प्रकार से प्रतिकर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा। तो इसमें यहाँ पर जो परीक्षण आवेश था, इसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभव बोलते हैं, ये आपको बताया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को बिंदु ए पर जो है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और किसके कारण ज्ञात करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो आप ये भी बता सकते हैं इसमें, अगर लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे आप, इसमें बताएंगे कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू परिमाण का एक धनावेश स्थित है, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, इतना आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, तो इस आवेश द्वारा जो है इस पर बल आरोपित होगा, तो यहाँ पर जो बल आरोपित होगा उससे ही हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश यानी कि जो परीक्षण आवेश आपको दिया गया है क्यू नॉट पर आरोपित बल, तो यहाँ पर जो है क्यू नॉट पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे पहले हम लोग। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आरोपित वैद्युत बल। तो अब ध्यान दीजिए, वैद्युत बल के लिए यहाँ पर हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सूत्र लिखेंगे एफ बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम में होता है Q1 Q2 का मतलब ध्यान दीजिए, पहला आवेश यहाँ पर है Q, तो Q1 का मान हो जाएगा, दूसरा आवेश यहाँ पर Q0 यानी कि ये हो जाएगा Q2 का मान, तो इतना हो गया Q1 Q2 की जगह, बटे में होता है R स्क्वायर यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मानी गई है X, तो यहाँ पर ये हो जाएगा X स्क्वायर, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये आपको धनात्मक आवेश दिया गया है क्यू नॉट, पहले इसे हम लोग बी से सी तक लाएंगे, यानी कि अनंत सूक्ष्म दूरी तक लाएंगे, तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा पहले उससे ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी टू सी, ध्यान दीजिए बी से सी अल्प दूरी, तो यहां पर आप लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी टू सी तक लाने में
में किया गया अल्प कार्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे हम लोग यहाँ पर अल्प दूरी तक ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो अल्प कार्य किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अल्प कार्य को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे डी डब्ल्यू से। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल ध्यान दीजिए इस प्रकार से लिखेंगे सदिश एफ, इसके बाद डॉट विस्थापन ध्यान दीजिए डी एक्स ये वाला। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है एफ डॉट डी एक्स, तो अब ध्यान दीजिए ए डॉट बी सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, तो उसके अनुसार ध्यान दीजिए इसको आप लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 180 डिग्री कैसे आया, यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है ध्यान दीजिए बाहर की ओर है, और हम लोग इस आवेश को किस तरफ ला रहे हैं, इस तरफ, यानी कि ये पूरी एक सरल रेखा बन गई। तो सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री इतना प्रयोग करेंगे। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस, क्योंकि कॉस 180 का मान माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर जब माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एफ डी एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से ये इतना हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्यू नॉट को सीधे अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट दिया गया, इसे सीधे अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो है किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो अल्प कार्य ज्ञात किया गया है इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, कुल कार्य को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू से। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब लिखा जाएगा इंटीग्रेशन। तो अब ध्यान दीजिए कहाँ से लाना इसको, अनंत से बिंदु ए तक, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। अब ध्यान दीजिए जो बिंदु ए है इसकी दूरी कितनी है हिसाब से आर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इनफाइनाइट टू आर, इतना हो गया। तो यहाँ पर जो अल्प कार्य ज्ञात किया गया था अब इसका हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो यहाँ से कुल कार्य ज्ञात होगा। तो ये आया अल्प कार्य, इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से कुल कार्य जो है ज्ञात होगा। तो अब ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, इसके बाद डी डब्ल्यू, इसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिए इसका मान ये दिया गया है माइनस एफ डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 का यूज करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में एफ का मान दिया गया है, तो यहाँ से एफ का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर ध्यान दीजिए इनफाइनाइट टू आर, एफ का मान रखेंगे यहाँ से, तो ये दिया गया है माइनस एफ का मान यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। इसके बाद इनटू डी एक्स, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए डब्ल्यू बराबर माइनस, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो यहाँ पर बाहर कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन जो है नहीं होगा, तो ये संख्या यहाँ पर बाहर लिख दी गई। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया क्यू और क्यू नॉट, क्यू क्यू नॉट, इसका भी समाकलन नहीं होगा। यहाँ पर जो समाकलन होगा वो केवल इसका होगा, यानी कि 1/x² डी एक्स का, याद रखिएगा डी एक्स दिया गया है, तो जो डी एक्स दिया गया इसके अनुसार यहाँ पर समाकलन किसका होगा, केवल एक्स का होगा। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं W बराबर माइनस, यहाँ पर इससे आप लिखेंगे Q Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, इसे ध्यान दीजिए अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x^-2 डी एक्स, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समाकलन का आपको ये सूत्र याद रखना है, समाकलन में सूत्र होता है x^n डी एक्स बराबर होता है x^(n+1)/(n+1)। ये सूत्र आपको याद रखना, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो समाकलन दिया गया है उसमें x दिया गया, x की पावर कितनी है n,
और यहाँ पर dx, तो जब इसका समाकलन किया गया तो कितना आया n प्लस वन, यानी कि जो पावर थी उसमें एक और जुड़ गया, और बटे में भी वही पावर लिख के उसमें भी एक जोड़ दिया गया। तो उसी के अनुसार ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो अब ये आएगा w बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे इसके अनुसार, तो x की पावर माइनस टू दिया गया, इसमें प्लस वन जुड़ जाएगा और बटे में भी माइनस टू प्लस वन। ध्यान दीजिए, जहाँ पर इसमें यन दिया गया वहाँ पर कितना दिया गया था माइनस टू, तो उसी प्रकार यहाँ पर इतना लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिमिट दी गई है, तो लिमिट यहाँ पर आपको अब इसमें यूज करनी है। तो लिमिट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट और यहाँ पर हो जाएगा आर। इसके बाद ध्यान दीजिए, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट बटे में हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आएगा एक्स की पावर माइनस टू से ये वाला वन घटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, बटे में माइनस टू से एक घटेगा तो यहाँ पर भी आएगा माइनस वन, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू आर, इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट बटे में हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये माइनस यहाँ पर बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की पावर माइनस वन है, अगर इसको हम लोग बटे में लिख दें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं वन अपान x, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की पावर माइनस वन थी, तो जब x की पावर माइनस वन को हम लोग बटे में लाएंगे तो x की पावर वन प्लस में हो जाएगी, और फिर x की पावर प्लस वन लिखो या ना लिखो तो यहाँ पर यह आ जाएगा वन बाई x, इतना आया। लिमिट यहाँ पर है इनफाइनाइट टू r, तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे लिखेंगे w बराबर यहाँ पर हो जाएगा q q नॉट बटे में दिया गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट, यानी कि इस x की जगह पे अपर लिमिट का मान लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई आर, फिर माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट का मान रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वन बाई इनफाइनाइट, ये इतना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वन बाई इनफाइनाइट बराबर होता है ज़ीरो, वन बाई इनफाइनाइट का जो मान होता है ये होता है ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना वन बाई आर। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे अब आप लिखेंगे w बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए वन अपान, इसे लिखेंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा दिया गया है q q नॉट और बटे में ये वाला लग जाएगा r, ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा वन बाई आर, वही वन बाई आर यहाँ पर लिख दिया गया, तो ये इतना आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु ए पर विभव। तो अब बिंदु ए पर जब विभव ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको सूत्र बताया जा चुका है, सूत्र होता है v बराबर w अपान q नॉट, इतना होता है। तो अब w का मान हम लोग यहाँ पर समीकरण तीन से रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा फिर v बराबर, जब इसकी जगह पे मान रखेंगे तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। इसके अलावा q q नॉट r, इतना आया, और यहाँ पर बटे में दिया गया q नॉट, तो यहाँ पर बटे में लिखा जाएगा q नॉट। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर q नॉट से q नॉट जो है कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर आएगा v बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। इसके अलावा इनटू में हो जाएगा q बाई आर, तो ये यहाँ पर जो सूत्र आया है ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जो ये आवेश दिया गया था ये वायु में रखा है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जहाँ का परावर्तनांक कितना हो कैपिटल K हो, तो यहाँ पर यही सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है तो फिर इसी सूत्र को ध्यान दीजिए, फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे इसे v बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू में हो जाएगा q बाई आर,
इस प्रकार से फिर सूत्र आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आवेश रखा गया है, अगर ये वायु या निर्वात में रखा है तो वहाँ पर सूत्र ये प्रयोग करना है, और अगर ये आवेश जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा है जहाँ का परावर्तनांक जो है कैपिटल के दिया गया है तो फिर वहाँ पर वैद्युत विभव का सूत्र ये यूज करना है आपको। इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है, यानी कि जो अभी आपको फिगर बताया गया था जिसमें यहाँ पर आपको बिंदु ओ पर बताया था प्लस क्यू आवेश, और इसके कारण जो हम लोग को बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना था। तो अगर इस प्लस आवेश की जगह पर आपको माइनस आवेश दिया गया है, याद रखिएगा अगर इसकी जगह पर जो है माइनस क्यू आवेश दिया गया है तो माइनस क्यू आवेश होगा, तो ये सूत्र यहाँ पर माइनस में आएगा, यानी कि आप बता सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव। तो अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण यही सूत्र लिखेंगे तो ये सूत्र फिर इस प्रकार से लिखा जाएगा, V बराबर माइनस 1/4πε0Q/R। तो याद रखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान धनात्मक आया था और माइनस क्यू आवेश के कारण इसका मान जो है ऋणात्मक आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्रदर्शित करें तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये मान लेते हैं हम लोग वाई एक्स और इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष, इस दिशा में मान लेते हैं यहाँ पर R और इस दिशा में हम लोग मान लेते हैं विभव यानी कि V। तो ध्यान दीजिए विभव जो आया है वो व्युत क्रमानुपाती है 1/R के, जो अभी हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इतना 1/4πε0 ये नियतांक है, तो V यहाँ पर ध्यान दीजिए जो दूरी है R इसके व्युत क्रमानुपाती यानी कि 1/R है, इसका मतलब विभव जो है वो 1/R यानी कि R के व्युत क्रमानुपाती है। इसका मतलब जब R का मान बढ़ता जाएगा तो विभव का मान जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर इस आवेश से A की दूरी थी R, अगर यहाँ पर ये दूरी बढ़ा दी जाए यानी कि इस A को और दूर कर दिया जाए तो विभव का मान जो होगा वो और कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं इसका ग्राफ ऐसे, यानी कि ध्यान दीजिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ध्यान दीजिए इस तरफ जाने पर दूरी बढ़ रही है इसका मतलब, और इधर जाने पर विभव बढ़ रहा है, तो ध्यान दीजिए विभव पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए दूरी कम थी तो विभव ज़्यादा था, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विभव का मान जो है वो घटता जा रहा है। ध्यान दीजिए दूरी यहाँ से यहाँ पर आ गई और विभव जो था वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो याद रखिएगा जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान जो है वो कम होता जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।